आज हम बनाने वाले हैं रगड़ा पैटिस की रेसिपी। यकीन मानिए, आप जो ये रेसिपी देख लेंगे ना, तो आप ये बाजार वाली रेसिपी भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कीजिए और सेम टू सेम ऐसी ही रेसिपी आप बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। क्यों, देखते ही मुँह में पानी आ गया ना। तो देखिए, ये मैंने पीला मटर लिया है। तो ये मटर हम रात को भिगा चुके थे। भिगोने के बाद आप दिन में भिगाए तो भी 6-7 घंटा भिगाना पड़ेगा, पर रात को भिगा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भिगाने के बाद देखिए, मैं प्रेशर कुकर में अब डाल दे रही हूँ और पानी डाल दूँगी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि मटर को उबालते समय ना पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम इसमें नमक डाल दूँगी और डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। डाल करके मैं अच्छी तरह थोड़ा मिला दूँगी। मिलाने के बाद अब हम इसे लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा कर हम इसमें प्रेशर कुक करेंगे। तो हम इसे ढक्कन को बंद करके अब मैं इसे बॉईल करने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ। गैस पे चढ़ाने के बाद अब इसमें हमें 4-5 सीटी लगनी है। 4-5 सीटी लगने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे लगाएंगे तड़का। तो हमारी सीटी लग चुकी है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के बाद देखिए, हमारा मटर अब पक गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो मटर हमारा बॉइल्ड हो चुका है और बहुत ही अच्छा बॉइल्ड हुआ है। तो एक बार हम इसे साइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे बाद में तड़का लगाएंगे। और अब हम कर लेते हैं पैटिस की तैयारी। तो देखिए, ये आलू मैंने 4 आलू बॉइल्ड कर रखा है और मैं इसे ऐसे ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। तो ग्रेट करने से बहुत अच्छा इवनली ग्रेट होता है, तो ये गठले नहीं रहते हैं। तो आलू अब हमारा ग्रेट हो चुका है। देखिए, अब इसमें हम गिरेंगे नमक, और इसमें गिरेंगे हम धनिया पत्ता। धनिया पत्ता गिरने के बाद मैं इसमें गिरूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ऐसे हम थोड़ा सा हल्का सा मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें गिरेंगे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ से मैं अच्छी तरह से इसे मत लूँगी, गूँध लूँगी। तो देखिए, मैं गूँध ली हूँ। अब मैं हाथ में थोड़ा सा तेल ले करके अब इसमें हम थोड़ा लगा लेंगे आलू के ऊपर, आलू के मसाला पे, ताकि ये जो हमारे पैटीज बनते समय आलू हमारे हाथ में ना चिपके। तो देखिए, ये छोटे छोटे सेक्शन मैंने लिए हैं आलू के। टिक्की जैसे लोई लेते हैं ना, वैसे लोई ले करके हम इसे टिक्की की शेप देंगे। तो थोड़ा सा मोटा टिक्की कीजिएगा, अच्छा लगता है। तो ये पैटीज है, जिसे हम टिक्की भी कहते हैं। तो ऐसे हम पैटीज सारा बना लेंगे। तो हमने सभी पैटीज बना लिया है, तो हम इसे सेकेंगे। तो हम पैन में ऐसे तेल डाल करके मैं सभी पैटीज को डाल दूँगी, और डालने के बाद आँच को एकदम धीमी रखूँगी, और इसे हमें धीमी आँच पर सेकना है। तो सभी पैटीज मैंने डाल दिया है, और इसे हम धीमी आंच पर सेकेंगे उलट पलट कर। तो पहले हम एक सेक्शन को सेकने देंगे। तो हमारी देखिए, ऊपर की पैटीज पूरा सीख गया है। तो हम इसे बहुत ही सावधानी से पलटेंगे। तो हमारे पैटीज बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हुए हैं, कलर बहुत अच्छा आया है। हम एक एक करके सभी पैटीज को ऐसे पलट लेंगे और सेक लेंगे। आँच को धीमा रखिएगा। तो देखिए, पैटीज हमारा फ्राई हो गया है। हम निकाल लेंगे पैटीज को। हम इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे, और हम एक एक करके सभी पैटीज को निकाल लेंगे। अब पैटीज फ्राई होने के बाद हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी इसमें। हींग डाल के आप इसमें डालिएगा थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। जीरा जब चटकने लगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। जो कसूरी मेथी आती है ना, कम झाल वाली, वो मिर्च डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये डालने के बाद अब हम, हमारा मटर उबल चुका है जो हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले मसाला को फ्राई कर लेती हूँ। मसाला फ्राई होने के बाद अब हम इसमें मटर डालेंगे। तो देखिए, मटर हमारा डालने का थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, ताकि इवनली मिल जाए मटर हमारा और मसाला भी नहीं जले। तो मटर मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा पानी डालने से हमारी जो मटर की कंसिस्टेंसी है वो अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा पतला हो जाएगा। तो देखिए, हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। तो मटर हमारी अच्छी तरह से उबल चुकी है। तो हमारा मटर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक प्लेट में पैटीज डाल देंगे, और डालने के बाद जो हमने रगड़ा बनाया है वो हम डाल देंगे। तो रगड़ा हम अच्छी तरह से डाल देंगे। देखिए, हमारा रगड़ा बहुत ही अच्छा बना है, कलर बहुत अच्छा आया रगड़ा का। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है,
और थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा है। ये है लहसुन की चटनी, धनिया लहसुन की चटनी है। इसकी रेसिपी मेरी ऑलरेडी चैनल पे है। और हम डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च और हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसके ऊपर। प्याज डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा इस पर हम धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद देखिए ये मीठी इमली की चटनी है वो मैंने डाला है। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सीव डालकर हम इसमें डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए रेसिपी बिल्कुल रेडी है हमारी चाट। तो आप कीजिए इंजॉय इस रेसिपी को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई और इजी रेसिपी के संग। तब तक आप कीजिए इंजॉय इस रेसिपी को।